बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। ये रहमतों बरकतों का महीना माह रबीउल अव्वल, जिसमें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर ने अपने महबूब को इस दुनिया में भेजा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर है इस पाक महीने में, उस पाक हस्ती का ज़हूर। और हम अपना नजराना अकीदत, अपनी मोहब्बत इस तरीके से पेश करेंगे कि समा पे होने जा रहा है एक बार फिर से एक बड़ा नातिया मुकाबला, जहां पर मुहिब्बान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां पर आके एक छोटी सी काविश करेंगे। हमारी क्या औकात, हमारी क्या ज़बान कि हम उनकी मदा सराई कर सकें, लेकिन कोशिश यही होगी। एक बहुत ज़बरदस्त मुकाबला एक बार फिर से समा आपके लिए लेकर आ रहा है। सलमान मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, और सलमान को आप लोग जानते हैं कि हम जब भी बनो समा की आवाज़ करते रहे हैं, हमारे जितने भी नातिया मुकाबले रमज़ान मुबारक में हम करते रहे हैं, ये ख़ुद भी उसी को जीत के ये आ गया। और उसके बाद फिर सलमान ने हमारे साथ कई सालों जब तक ये चलता रहा, सलमान ने हमारा साथ दिया। जो अच्छे अच्छे बच्चे जब ऑडिशंस होते हैं तो ये सलमान उनके ऑडिशंस भी ले रहे होते हैं, और आज ये वॉइस कोच भी हैं, ये एज अ वॉइस कोच यहाँ पर हमारे साथ मौजूद होंगे। हमारे जितने भी कंटेस्टेंट हैं, 10 कंटेस्टेंट हैं आज हमारे साथ। पहला मुकाबला 12 रबीउल अव्वल को इंशाल्लाह ग्रैंड फिनाले होगा, और उसमें हम देखेंगे कि कौन जीतता है, और जो जीतेगा उसको समा की जानिब से दिया जाएगा बड़ा प्राइज इनाम। आज के जो कंटेस्टेंट हैं, जो एक प्रोसेस होता है ऑडिशंस का, वो प्रोसेस कैसा था उसमें हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आपके साथ शेयर करते हैं। फिर हमारे जो जजेस हैं वो हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। बनो समा की आवाज का नातिया मुकाबला, एक से बढ़कर एक आवाज और अंदाज। समाना तुम्हारे लिए 10 पार्टिसिपेंट्स सरकार की बारगाह में गुलहाय अकीदत पेश करेंगे। कहो के मैं निसार तेरे रुखता मुखता। अब देखना यह है कि कौन छुएगा कामयाबी की मेराज और कौन जाएगा घर। जी, तो बहुत ही प्यारे प्यारे हमारे कंटेस्टेंट तो हमारे साथ मौजूद हैं ही, लेकिन उनको जज करने के लिए और एक तरीके से उनकी तरबियत करने के लिए और उनकी नात में, क्योंकि देखिए हम सब एक तरीके से जो है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ते हैं, तो बहुत सारी हम गलतियाँ करते हैं, तो उसको एक अच्छे लेवल पे, उसकी दुरुस्तगी के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए हमारे यहाँ पे जजेस भी मौजूद हैं। हमारे साथ पाकिस्तान के मारूफ तरीन सीनियर तरीन हमारे साथ नातवान मौजूद हैं, शफीक अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, कैसे आप? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खुशी हो रही है कि इस रबीउल अव्वल के मौके पर समा टीवी बहुत खूबसूरत बच्चों के लिए मुकाबले नात सजा रहा है, और मैं समा टीवी को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और आइंदा जो है मैं देखता रहता हूँ। आप लोगों के प्रोग्राम्स बहुत अच्छे होते हैं माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, हमारी काविश ही होती है अगर आप जैसे बड़े नातखानों को हम इम्प्रेस कर सकते हैं और करते हैं तो बड़ी बात है। शकील मदनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान टेलीविजन के 2 अवार्ड्स भी जीत चुके हैं, ना सिर्फ ये नात पढ़ते हैं बल्कि लिखते भी हैं। अस्सलाम वालेकुम शकील साहब, कैसे आप? ठीक ठाक हैं। शकील साहब, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये जो नातिया मुकाबला होना जा रहा है इसमें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये नात खानों पर भी डिपेंड करता है कि वो किस किस्म की तैयारी यहाँ पर करके आए हैं। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह हम सुनेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं उस पर क्या क्या नंबर्स इनके लिए मुंतखब हम सब मिलके करते हैं इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह करे जी। सादिया रजा भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सादिया, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। सादिया, आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं हमारे जितने भी कंटेस्टेंट आज के हैं उनसे? अच्छा, बहुत अच्छा हमेशा की तरह, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला और सुना जाने वाला जो प्रोग्राम है वो बनो समा की आवाज़ लेके आज तक माशाल्लाह लोगों की एक्साइटमेंट मैंने देखी, और हमेशा ही बच्चे अच्छा पढ़ते हुए हैं, इंशाल्लाह आज भी बेहतरीन होगा इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। और हमारे वॉइस कोच सलमान है, सलमान ने तैयारी भी कराई है इनकी, तो अब देखते हैं कि भाई कैसी इन सब की तैयारी है। जो हमारे आज के पहले नातखान हैं, क्योंकि हमारे पास वक्त मुख्तसर है तो हम पहले नातखान को फ़ौरन बुला लेंगे, लेकिन मैं बता दूँ कि
बिल्कुल आप लोगों ने सुकून से तहमुल मिजाजी से, और वो कहते हैं ना कि अपनी मोहब्बत को देखते हुए पढ़ना है, ठीक है, और अदब का जो है ना वो दामन हाथ से नहीं जाने देना।